तो देख सकते हो अभी हमारा सामने कुछ भी नहीं है, पूरा खाली है, इसलिए अलार्म नहीं बज रहा है। और देखना जैसे मैं इस दीवार के सामने जाऊंगा कैसे अलार्म बजने लगेगा, देख सकते हो। और जैसे देखा खाली जगह पर आया, अलार्म स्टॉप हो गया, फिर से देखा तो। और यहाँ पर एक बार नोटिस करना, जैसे मैं दीवार का जितना नज़दीक जा रहा हूँ अलार्म उतना तेज़ी से बज रहा है, और जितना दूर जा रहा हूँ उतना अलार्म धीरे धीरे इसका वीक हो रहा है। देखना बिल्कुल इस तरह से, तो आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही शानदार एक इंस्पायर्ड आर्ट प्रोजेक्ट, एक स्मार्ट ग्लासेस फॉर ब्लाइंड पर्सन, मतलब इसको अंधे लोगों के लिए एक थर्ड आई भी कह सकते हो। और इसको हमने बनाया यूट्यूब का सबसे सिंपल तरीके से, बहुत ही कम से कम मटेरियल को यूज करके, और विदाउट आर्डिनो, तो यहाँ पर आपको प्रोग्रामिंग वगैरह का झंझट नहीं है, और ये बहुत ही कम खर्च में भी बन जाता है। तो आप चाहो तो इसको किसी भी साइंस प्रोजेक्ट या साइंस एजुकेशन के लिए बहुत आसान से बना सकते हो, चाहो तो आप किसी भी ब्लाइंड पर्सन को भी आप ये गिफ्ट कर सकते हो। तो वीडियो समझे बहुत ही अमेजिंग और कमाल का होने वाला है, तो लास्ट तक बने रहे। तो सबसे पहले चाहे मैं एक अल्ट्रासोनिक सेंसर, और ये आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन बहुत आसान से मिल जाएगा 50-60 रुपये के अंदर। और इसका ऑनलाइन बाइंग लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चाहो तो जाकर चेक कर सकते हो, लेकिन वहाँ पर इसका प्राइस थोड़ा ज़्यादा हो सकता है। और इसका पिन आउट को जिस तरह से होता है, पहले वाला देख सकते हो VCC मतलब पॉजिटिव, सेकेंड वाला होता है टिगर, और थर्ड वाला होता है इको, और लास्ट वाला है ग्राउंड। तो चलिए फिर इसका सर्किट को बनाते हैं, बहुत ही सिंपल सर्किट है विदाउट आर्डिनो, और बहुत अच्छे से 100% एक्चुअली वर्क भी करेगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। उसके बाद दोस्तों चाहे मैं एक 555 IC, और ये भी आपको लोकल मार्केट से बहुत आसान से मिल जाएगा, और इसका पिन आप देख सकते हो कुछ इस तरह से होता है। तो चलिए फिर इसका 2 नंबर पिन के साथ 6 नंबर पिन को, और 4 नंबर पिन के साथ 8 नंबर पिन को आपस में कनेक्ट कर देते हैं। उसके बाद दोस्तों चाहे मैं कैपेसिटर 10 माइक्रोफैराड का, और यहाँ पर देख सकते हो मैंने 10 माइक्रोफैराड और 25 वोल्ट का यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पर कैपेसिटर का नेगेटिव को जोड़ देना IC का पिन नंबर 1 के साथ, और कैपेसिटर का पॉजिटिव को जोड़ देना IC का पिन नंबर 8 के साथ। उसके बाद दोस्तों चाहे मैं एक प्रीसेट 10K का, तो इसका ये दो पिन को IC का पिन नंबर 7 और 8 के साथ सिंपली सोल्डिंग कर देना है। उसके बाद दोस्तों चाहे मैं एक रजिस्टर 1K का, और इसका एक हिस्से को जोड़ देना IC का पिन नंबर 6 के साथ, और रजिस्टर का दूसरे हिस्से को जोड़ देना प्रीसेट का ये ऊपर वाला पिन के साथ। तो चलिए आप सेंसर को सर्किट के साथ जोड़ते हैं। तो यहाँ पर IC का पिन नंबर 1 को जोड़ देना है ग्राउंड के साथ, और IC का पिन नंबर 3 को जोड़ देना है टिगर पिन के साथ, और 4 नंबर पिन को जोड़ देना है VCC पिन यानी पॉजिटिव पिन के साथ। उसके बाद दोस्तों चाहे मैं कैपेसिटर 100 माइक्रोफैराड और 25 वोल्ट का, तो यहाँ पर इसका नेगेटिव को जोड़ना है मॉड्यूल का इको पिन के साथ, और पॉजिटिव को जोड़ना है मॉड्यूल का VCC पिन के साथ। दोस्तों यहाँ पर आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, मैं इसका पूरा सर्किट डायग्राम वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसके बाद देख सकते हो इसको पावर देने के लिए हम यूज कर इस तरह के 3.7 वोल्ट का लिथियम बैटरी, और यहाँ पर देख सकते हो मैंने एक स्विच को भी जोड़ दिया ऑन ऑफ करने के लिए। आप चाहो तो यहाँ पर इस तरह का जो लिथियम बैटरी या मोबाइल के बैटरी आते हैं उसको भी यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर बैटरी का पॉजिटिव को जोड़ देना है मॉड्यूल का VCC पॉइंट के साथ, और नेगेटिव को जोड़ देना है मॉड्यूल का ग्राउंड वाला पॉइंट के साथ। उसके बाद दोस्तों चाहे मैं एक बाजार, और यहाँ पर जो छोटा वाला पीजो बाजार आता है उसका भी आप यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर बाजार का पॉजिटिव को जोड़ देना है VCC पॉइंट के साथ, और नेगेटिव को जोड़ देना है ये इको वाला पिन के साथ। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा साइकिल 100% बनकर रेडी हो चुका है, तो चलिए आप इसको फटाफट इस ग्लास के अंदर सेट कर लेते हैं यहाँ पर, उसके बाद अच्छे से टेस्ट करके भी दिखाएंगे। तो चलिए इसको फटाफट सेट करते हैं। तो यहाँ पर मैं सेंसर को बिल्कुल बीच पर सेट करने वाले हैं। तो देख सकते हो यहाँ पर इसको बहुत अच्छे से ग्लास के ऊपर सेट कर दिया, और ये दिखने में भी बहुत ही अच्छा लग रहा है, बिल्कुल रोबोट जैसा। तो चलिए इसको एक बार पहले टेस्ट करके दिखा देते हैं, उसके बाद पहन कर भी दिखाऊंगा। तो पहले स्विच को ऑन करना होता है। तो इसी जैसे मैं इसके सामने जाऊँगा ये अलार्म बजने लगेगा। मतलब जैसे कोई दीवार वगैरह इसके सामने आएगा ये ऑटोमेटिक यहाँ पर अलार्म बजने लगेगा, और जो ब्लाइंड आदमी होगा उसको पता चल जाएगा सामने कुछ है ऑप्टिकल।
दोस्तों यहाँ पर इतना अच्छा नहीं लग रहा, तो चलिए इसको पहन कर दिखा देते हो तो आपको अच्छे से आइडिया आ जाएगा। तो देखना बहुत ही अच्छा लग रहा है, और देखना जैसे सामने कोई ऑप्टिकल आएगा कैसे आराम बाजने लगेगा, मतलब बीप होने लगेगा। देख सकते हो बहुत दूर से, लगभग 1 मीटर दूर से अलार्म बज रहे हैं। तो देख सकते हो अभी हमारा सामने कुछ भी नहीं है, पूरा खाली है, इसलिए अलार्म नहीं बज रहा है। और देखना जैसे मैं इस दीवार के सामने जाऊंगा कैसे अलार्म बजने लगेगा, देख सकते हो। और जैसे देखा खाली जगह पर आया, अलार्म स्टॉप हो गया, फिर से देखा तो। और यहाँ पर एक बार नोटिस करना, जैसे मैं दीवार का जितना नजदीक जा रहा हूँ अलार्म उतना तेजी से बज रहा है, और जितना दूर जा रहा उतना अलार्म धीरे धीरे इसका वीक हो रहा है, देखने बिल्कुल इस तरह से। तो दोस्तों वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को जरूर एक लाइक करना, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो दोबारा देखने के लिए चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना, दिए गए बेल आइकन को भी जरूर दबा देना ताकि आपका ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो भी मिस ना हो। और आपके इस वीडियो से जुड़ा कोई सवाल या सुझाव है तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं जरूर रिप्लाई दूंगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।